अल्हम्दुलिल्लाह आज वीजा लग गया हमारा और एक हफ्ते बाद जो है हमें पासपोर्ट अपने घर पे मिल जाएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ये है कि भाई काफ़ी दिनों से जो है वो व्लॉग्स वगैरह नहीं बन रहे थे, उसके पीछे रीजंस हैं। नंबर एक, मैंने जॉब शुरू कर दी है जो कि मेरी फील्ड रिलेटेड जॉब है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है यहाँ पे ड्रेसडन में, तो उसमें मसरूफ़ था। और दूसरा, मेरा एक एग्ज़ाम था मेरी डिग्री का जो कि बहुत मेन एग्ज़ाम था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया, कल मेरा पेपर था। तो इन दो मेन चीज़ों की वजह से मैं ज़रा प्रॉपर व्लॉगिंग को टाइम नहीं दे सका, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। तो भाई जॉब से रिलेटेड कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, किस तरीके से मैंने अप्लाई किया था, किस टाइप का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और कितने पैसे मिल रहे हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा और उसमें आपको डिटेल से तसल्ली से ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो भाई जो आज के व्लॉग का पर्पस है वो है USA का वीज़ा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे फर्स्ट रिजेक्शन के बाद मिल चुका है और साथ साथ अवैस और मिज़ाक को भी मिल चुका है। तो हमने ये कुछ टाइम पहले वीज़ा वगैरह अप्लाई किया था और उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की थी, व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार वीज़ा आ जाए और उसके बाद फिर तसल्ली से आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे लगते हैं और सारा प्रोसीजर जो भी इससे रिलेटेड है। तो भाई जिस कैटेगरी में हमने ये वीज़ा अप्लाई किया था वो है बिजनेस और टूरिज्म, और इसका जो फॉर्म है वो है DS-160। तो हमें ये 5 साल का वीज़ा मिला है जिसमें हम मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं और अप टू मैक्सिमम हम 6 मंथ्स अमेरिका में रह सकते हैं। तो काफ़ी इजी इसका अप्लाइंग प्रोसीजर है और इसके लिए तकरीबन 175 यूरो आपकी फ़ीस लगती है और 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है। तो भाई अमेरिका का वीज़ा लेना बड़ा इजी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल किया है और क्या क्या डिटेल्स डाली हैं। तो उसके लिए जो है 3 वेबसाइट्स हैं, जिसमें एक पे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं जिसमें हम सारी डिटेल्स वगैरह देते हैं, और दूसरी एक है जिसपे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, और तीसरी जो है जिसपे इंफॉर्मेशन है कि आपको किस तरीके का वीज़ा अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो वो 3 किस्म के लिंक्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वो ज़रूर जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो एप्लीकेशन है वो है CEAC.state.government। यहाँ पर आपने सबसे पहले जाकर करना ये है कि आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पर आपने वीज़ा इंटरव्यू देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी म्यूनिक सेलेक्ट की थी, और लास्ट टाइम जब मेरा रिजेक्ट हुआ था उस टाइम मैंने बर्लिन सेलेक्ट की थी। अभी मैंने चेंज इसलिए की है क्योंकि मुझे सुनने में मतलब ये आया और मोस्टली मैंने देखा भी है कि USA की जो एम्बेसी है म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर वीज़ा रेशो अच्छी है बर्लिन के मुकाबले, तो इसलिए मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। अगर आप भी जर्मनी में आप अप्लाई करना चाहते हो तो फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक को टारगेट करो, बर्लिन में जो है वो वीज़ा रेशो थोड़ी सी कम है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ये कोड डालना है और आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देनी है। ये करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ ये कुछ पूछेगा, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह करेगा जो कि आपने एग्री करके, सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी अगर पूछे तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। और हमेशा याद रखना है कि आपने ये जो एप्लीकेशन नंबर है ना, ये आपने हमेशा सेव रख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मतलब मसला होता है वेबसाइट में तो आपने यही एप्लीकेशन नंबर डालकर अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। तो ये आपको ज़रूर ये चीज़ और ये जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपको याद रहे। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है मैंने ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर लिया है और मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव डाटा है और इनकी वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि ये वाला फॉर्म जो है ये आप मतलब इस तरीके से पब्लिश नहीं कर सकते, और न्यू फॉर्म मैं फिल करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो सबसे पहली होती है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका एड्रेस आता है, नेम आता है, फ़ोन नंबर आता है और पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह आती हैं, तो ये आपने फिल कर देनी है, इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। और नंबर 2 जो कि मेन इस फॉर्म की जान है वो है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो जो कि आपने USA वीज़ा अप्लाई करना है। जिस तरीके से अब मोस्टली
टूरिज्म और ट्रैवल ही होता है, तो उस पे जो पर्पस ऑफ ट्रिप है वो है टेम्प्ररी बिजनेस प्लेयर वीज़ा, जिसकी कैटेगरी है बी। इसको अगर मोर स्पेसिफाई किया जाए, जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपने ऑप्शन लेना है फिर बिजनेस एंड टूरिज्म, जिसमें टेम्प्ररी विजिटर B1 और B2 कैटेगरी हो। तो ये सब कुछ करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा फॉर्म में कि आपने डेट ऑफ अराइवल कब है USA में, और वहाँ पर आपने किस जगह रहना है, या कौन वहाँ पर आपका रिलेटिव है। तो याद रहे, यहाँ पर आपने अगर आपका कोई रिलेटिव जानने वाला है उसका एड्रेस दे दो, या नहीं है तो आपने कोई booking.com से एक होटल वगैरह बुक कर लेना है और उसका आपने एड्रेस वगैरह दे देना है। और booking.com काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि वहाँ पर रिफंड भी हो जाते हैं पैसे, और पैसे ऑन अराइवल भी आप वहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ आपने ज़रूर फिल करनी है, इससे आपकी डेडिकेशन पता लगती है कि आप वाकई ट्रैवल करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने दोबारा से US कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप वहाँ पर किधर रहोगे, क्या एड्रेस है, वो सब कुछ आप दे सकते हो। फिर फैमिली इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप फैमिली नाम, एड्रेस, नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह दोगे। इसके बाद जो मेन एक और चीज़ है वो है वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें जो जो आप करंटली अभी पढ़ रहे हो या पढ़ लिया है वो सारी डिटेल्स आनी है, और जो जो आप करंटली अभी जॉब कर रहे हो वो भी सारी यहाँ पर ही डिटेल्स आपने डालनी है। ये सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपने प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट यू हैव विजिटेड। तो अब इस तरीके से आपने यहाँ पर जो जो कंट्रीज़ में आप ट्रैवल किया है आपने वो यहाँ पर डालो, ताकि आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है, और वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करो, अगर कोई है आपके पास, अगर कोई पासपोर्ट पिक्चर है तो वो अपलोड कर दो, नहीं तो इंटरव्यू के दिन वो साथ लेके जानी है। ये सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है अपॉइंटमेंट की। तो जो जर्मनी में वेबसाइट है जो यूज़ होती है वो है portal.us-travels-docs.com। यहाँ पर जाकर आप अपनी ID बना सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और पैसे वगैरह जो भी डिटेल वगैरह वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सब कुछ करने के बाद फिर अगर आपने पासपोर्ट घर मंगवाना है तो वो भी सारी डिटेल्स वगैरह आपको साथ साथ पता लगती रहती हैं। तो ये दो मेन वेबसाइट्स हैं, और इसके अलावा जो तीसरी मेन वेबसाइट है वो है us-travel-docs.com। यहाँ पर आपको वीज़ा टाइप भी पता लगेगी, किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पैसे किस तरह पे करने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे स्केड्यूल करनी है, फिर इंटरव्यू कैसे देना है, और पासपोर्ट को किस तरीके से ट्रैक करना है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो ये सारा प्रोसीजर है US वीज़ा का अप्लाई करने का। हाँ, तो इसके अलावा जो इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी सिंपल थे और रिलेटेड टू हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के थे। तकरीबन 5-5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए डिफरेंट डिफरेंट काउंटर पे, और 2-3 मिनट लगे। तो नंबर वन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका पर्पस क्या है, तो हमने कहा ट्रैवल है, वो इसलिए क्योंकि मैं मिसाकर अवैस हम मोस्टली साथ ही ट्रैवल करते हैं, चाहे वो यूरोप हो या सऊदी अरब हो, या मतलब हमने जहाँ भी गए हम साथ गए। और जब हमने फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पर हमने अपने अकाउंट्स के लिंक्स भी दिए हुए थे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, और इस तरीके से काफ़ी। तो उन्होंने वो वेरिफिकेशन अपनी तरफ से ऑनलाइन वो सब कुछ चीज़ें कर लेती हैं, तो इसलिए हमारे से कोई डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर नहीं होते। तो इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा कि आप फंडिंग किस तरह कर रहे हो अपने इस प्लान की। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं और हमारे पास कुछ सेविंग्स भी हैं। फिर स्टडी से रिलेटेड कि स्टडी कब ख़त्म हो रही है, कितनी मतलब कितना टाइम जर्मनी में हो गया। तो मतलब काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, और इसीलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसको जितनी डिटेल दोगे उतना ही अच्छा है। जब आप फॉर्म फिल कर लोगे उसको अपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वो एक बार याद कर लेना, वो देख लेना, ताकि इंटरव्यू में आपसे कुछ मसला ना हो और आप जो लिखा हुआ है आप उसी तरीके से आप वहाँ पर बता सको। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वीजा लग गया हमारा, और एक हफ्ते बाद जो है हमें पासपोर्ट अपने घर पे मिल जाएगा। और म्यूनिक अभी हम आए हुए थे और 9 बजे अपॉइंटमेंट थी, अभी तकरीबन 10:30 हो गए हैं। अभी वापस मैंने और मिजाज ने ड्रेसले जाना है, अवैस ने उलमी जाना है, लेकिन अभी भूख काफ़ी लगी हुई है और रोटी के लिए एक बंदोबस्त किया हुआ है होटल का, बहुत लगी हुई। तो सीन कुछ ये है कि हम तीन लोगों ने ट्विनिंग की हुई है,
नहीं ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग की भी, ट्रेनिंग की भी है। वो ये सीन ये हुआ कि हमें पता नहीं था कि ये हम सारे ब्लू शर्ट्स पहनेंगे। मैं अलग से लाया था, मिज़ाक अलग से लाया था, और यहाँ पर जब आए तो वैसे भी अलग से ब्लू शर्ट अपनी तैयारी की थी। और हमारी तो पैंट भी सेम है, पैंट भी सेम है। हमने फुल ट्रेनिंग करके उनको बताया कि हम मोटिवेटेड हैं फुल भाई फुल। और मैं तो थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ बर्लिन में जो है रिजेक्शन हुई थी, तो मैं तो डरा हुआ था। लेकिन इन दोनों का फर्स्ट टाइम था तो ये मेरी वजह से डरे हुए थे। तो लेकिन अब क्या हुआ कि मिज़ाक के सबसे पहले इंटरव्यू था, वो गया उसने जरा अपने ऐसा इंप्रेशन डाला, ऐसा इंप्रेशन डाला। वो कहते हैं भाई ये लो वीजा, ये ले जाओ ले जाओ। और अपॉइंटमेंट डेट बुक करने के बाद आपने डायरेक्ट उस दिन एम्बेसी चले जाना है, और आपने साथ अपने पासपोर्ट हाउसवाइफ और पासपोर्ट साइज पिक्चर ये ज़रूर लेके जानी। तो भाई अगर आपका वीज़ा लग जाए तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और अगर ना लगे तो हिम्मत नहीं हारनी, दोबारा अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो मैंने सारी अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग शुरू हुआ है या एग्ज़ाम फेल हुआ है या कुछ हुआ है? ये मजाक उड़ाते हैं मेरा, ये मुझे व्लॉग नहीं शुरू करने देते। लेकिन मैं इनको कहता हूँ जो नेचुरल चीज़ है ना वो नेचुरल ही है, तो डरते नहीं है। लेकिन खैर कोई नहीं, अब लग गया है तो अब ऐश करते हैं ज़रा।